कि ये एक सामाजिक काम है। प्रधानमंत्री जी की इस विषय पर इतनी आस्था होती है कि मुझे मुझे भी आश्चर्य लगा। प्रति वर्ष ब्लड की कमी से आज भी देश जूझ रहा है। बिहार सरकार ने 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओर से दिया है। लोग सहर्ष कई मौकों पर खून नहीं देते हैं और बड़ी विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। माँ ब्लड सेंटर और हिसारिया जी जैसे लोग ईश्वर का रूप धारण करके आते हैं। और रक्तदान, इसे महादान कहा जाता है, इससे बढ़कर दान कोई भी नहीं हो सकता। अगर आप एक आदमी का सेवा करते हैं, ईश्वर 3 रूप में आपकी सेवा करेगा, आपके परिवार के लिए खुशियां देगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। रक्तदान जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। आप रक्त देकर समाज को नई जिंदगी देने का काम करते हैं। ऐसा ही एक काम पटना में माँ ब्लड सेंटर कर रही है, जिसने एक साल के अंदर 3,277 लोगों तक ब्लड पहुँचाने का काम किया है। माँ ब्लड सेंटर के सालगिरह के मौके पर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व पीसीएम सुशील मोदी मौजूद रहे। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने कहा कि ब्लड डोनेशन समाज के लिए एक बड़ा काम है और हमें खुशी होती है कि बिहार के लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की भी तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भी स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों पर ध्यान देते रहते हैं कि यह एक सामाजिक काम है। जैसे कि यहां मुख्यमंत्री जी आए थे, अन्य मंत्री जी आए थे, बाकी सब यहां आए थे। प्रधानमंत्री जी की इस विषय पर इतनी आस्था होती है कि मुझे मुझे भी आश्चर्य लगा। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आम लोगों से अपील की कि निश्चित रूप से रक्तदान करें तथा लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। बिहार में काफी जागरूकता आई है, पहले लोग ब्लड डोनेशन के नाम पर डरते थे। 25 लाख यूनिट प्रति वर्ष ब्लड की कमी से आज भी देश जूझ रहा है। उम्र 18 से 65 और देश की आबादी का 67% जो है ये 18 से 65 आयु के लोग हैं, तो बिहार में काफ़ी जागरूकता आई है। बिहार सरकार ने 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओर से दिया है। हम लोग जब प्रतिदा से 50 साल पहले कॉलेज हुए तो ब्लड डोनेशन के नाम से लोग कांपते थे, डरते थे। वहीं दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर अंकित शुक्ला ने कहा कि माँ ब्लड सेंटर ने समाज से एक बड़ा रिश्ता निभाया है और जरूरतमंदों की मदद की है। सर, माँ ब्लड सेंटर एक साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम माँ ब्लड सेंटर और हिसारिया जी को का कोटि कोटि नमन, उन्हें बहुत बहुत बधाई। जो एक वर्ष उन्होंने जिस तरह का पुनीत कार्य किया है वो अतुलनीय है। और आजकल की दुनिया में जब रिश्तों के आयाम बदल गए हैं और लोग सहर्ष कई मौक़ों पर खून नहीं देते हैं और बड़ी विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, ऐसे मौक़ों पर माँ ब्लड सेंटर और हिसारिया जी जैसे लोग ईश्वर का रूप धारण करके आते हैं और इसलिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, हमेशा याद रखा जाना चाहिए और सबको निस्वार्थ तरीके से इस योगदान में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। दीपक कुमार ने कहा कि माँ ब्लड सेंटर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें इनका सहयोग करना चाहिए। सर, माँ ब्लड सेंटर जो है समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो आपकी इस पर क्या राय है, मतलब समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, माँ ब्लड सेंटर पिछले 1 वर्षों से इस ब्लड बैंक के माध्यम से इन लोगों ने 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को इससे लाभ पहुंचा है, इस ब्लड सेंटर से। और रक्तदान, इसे महादान कहा जाता है, इससे बढ़कर दान कोई भी नहीं हो सकता है। और क्योंकि रक्त की आवश्यकता उसे ही होती है जो बहुत मुश्किल में होता है, वैसे मरीज या जो कि बिल्कुल जिनके जान को खतरा हो, तो उस दृष्टिकोण से एक ये बहुत ही पुनीत कार्य है। और इस पुनीत कार्य में सभी लोग अपने पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। माँ ब्लड सेंटर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमें इस कार्य में इनको सहयोग करना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा माँ ब्लड सेंटर के संचालक मुकेश हिसारिया ने। कि शुरुआत आपने कब की? देखिए, हम लोग 2006 से ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए हैं और जन जन तक, हर मन तक जो ब्लड डोनेशन का भाव जगाना हम लोग का लक्ष्य था। आज महामहिम के आने के बाद ये लग रहा है कि ये भाव में हम लोग जो लक्ष्य था उस लक्ष्य में हम लोग सफल रहे हैं और आज पूरा देश इसका इसको प्रेरणा स्रोत के रूप में ले रहा है, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है।
आने वाले दिनों में संस्थान को आप कहाँ देखते हैं सर? देखिए, आने वाले संस्थाओं में सिर्फ पीड़ित मानवता की सेवा, हर पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान लाना ही हम लोग का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में ईश्वर ने अगर हम लोग को माध्यम बनाया है, ईश्वर ने हम लोगों को अगर चुना है, तो हम लोग का ये नैतिक कर्तव्य है कि ईश्वर के उन उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करें, अपनी तरफ से 100 की जगह 200% देने का प्रयास करें। सर, ब्लड डोनेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको लोग सुनते ही डर जाते हैं कि ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहते, जैसे सुशील मोदी जी ने भी कहा था, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये पुरानी बातें थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल आज से 365 दिन पहले पूछा था कि आप लोग पहले साल में कितना यूनिट डोनेशन करेंगे। हम लोगों ने कहा था कि 2500 यूनिट का डोनेशन होगा। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3700 लोगों ने हंसता हुआ ब्लड डोनेशन माँ ब्लड सेंटर में किया है। 4400 से ज़्यादा यूनिट ब्लड हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब डर की बात खत्म है, अब समय आ गया है। लोग मिसाल के रूप में माँ ब्लड सेंटर को ले रहे हैं। अब कम से कम आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ब्लड की कमी से किसी की जान जा रही है। सर, अपने संस्थान के थ्रू समाज को क्या मैसेज आप देना चाहते? देखिए, समाज को मैसेज ये दे रहा है कि ईश्वर अगर आपको लगातार कैरियर की ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है, ईश्वर आपको हर चीज़ में आपको नंबर वन पे रख रहा है, आपका भी नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि आप अपने तरफ से समाज को कुछ दे के जाएँ। और ये देने की प्रक्रिया बाद में करें, उस प्रक्रिया को पहले से करते चले जाएँ, ताकि जितना भी लोन आपका है वो आप क्लियर कर दें। आपसे हम लोग एक चीज़ बताते हैं कि अगर लोग किसी को उंगली दिखाते हैं तो हम लोग इसको निगेटिव वे में लेते हैं, आप उसको उंगली दिखाने को पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आप एक आदमी का सेवा करते हैं तो आपकी तरफ तीन उंगलियां हैं, ईश्वर तीन रूप में आपकी सेवा करेगा, आपके परिवार के लिए खुशियां देगा।